इनिशिएशन है, इलोंगेशन और टर्मिनेशन है ये डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसका कुछ स्टेप्स है और वो स्टेप्स मैं बताऊंगा। उसके बाद सेम टू सेम वो स्टेप हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में भी फॉलो होगा, बस एंजाइम्स का कुछ नाम अलग होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो वो स्टेप को समझना है और उसी स्टेप में हम लोग वन एक एक स्टेप को क्या करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, उसका मेकानिज्म देखेंगे। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये इनिशिएशन जो मेकानिज्म है इसमें क्या होता है, इसमें क्या स्टेप्स है वो हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। इलोंगेशन मेकानिज्म में क्या क्या स्टेप्स है इसको हम लोग वन बाई वन डिटेल स्टडी करेंगे। टर्मिनेशन मेकानिज्म में कैसे करके टर्मिनेशन होता है, क्या कुछ स्टेप्स है वो हम लोग सारा का सारा डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, मैं डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स का मैं ये बताऊंगा कि स्टेप्स बताऊंगा, उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक है, तब हम लोगों को इजी होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में कैसे करके डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखा है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन होता है या बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे तीन मेकानिज्म में होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या चीज, इनिशिएशन मेकानिज्म जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेकेंड फॉर्म में क्या बोलते हैं इलोंगेशन मेकानिज्म, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं टर्मिनेशन मेकानिज्म। याद रखिएगा बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग बोलेंगे होने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, थ्री मेकानिज्म होना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन तीन मेकानिज्म होता है, फर्स्ट हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मेकानिज्म, इलोंगेशन मेकानिज्म एंड टर्मिनेशन मेकानिज्म, ठीक है। तो इनिशिएशन जो मेकानिज्म होता है, इनिशिएशन मेकानिज्म में देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मेकानिज्म में ये स्टेप्स होता है हम लोग देखेंगे। इलोंगेशन जो मेकानिज्म होता है उसमें हम लोग बोलेंगे ये स्टेप्स होते हैं, और टर्मिनेशन जो मेकानिज्म होता है इसमें हम लोग बोलेंगे ये क्या होता है हम लोग बोलेंगे स्टेप्स होता है, ठीक है। जो भी स्टेप्स है इनिशिएशन में, इलोंगेशन में और टर्मिनेशन में वो ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे सेम है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का, इस चीज को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपको समझ में आएगा तो हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या चीज बैक्टीरिया डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज इनिशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो इनिशिएशन मैकेनिज्म होता है इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं या क्या क्या स्टेप्स होता है, उसके बाद एक एक स्टेप्स हम लोग क्या करेंगे डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं वहीं पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि बैक्टीरिया के केस में या हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, ठीक है, याद रखना है कैसा डीएनए मिलता है तो हम लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए मिलता है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कैसा डीएनए मिलता है सर्कुलर डीएनए मिलता है। बताने का क्या मतलब हुआ, बताने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो बैक्टीरिया ऐसे करते हैं, मान लीजिए बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा सर्कुलर डीएनए मिलेगा, कैसा हम लोग बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड क्या चीज सर्कुलर डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो सर्कुलर डीएनए मिल रहा है, अगर सर्कुलर डीएनए से सर्कुलर डीएनए बन जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, या हम लोग क्या बोलेंगे बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन किया, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि सर्कुलर डीएनए से कैसे करके हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया अपना सर्कुलर डीएनए को बना लेता है, मतलब कैसे करके डीएनए रेप्लिकेशन करता है, वही हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर इस सर्कुलर डीएनए को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर, तो ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे करके दिखेगा सर्कुलर डीएनए, किसका हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का, से दिखेगा सर्कुलर डीएनए, ठीक है। और इस सर्कुलर डीएनए में क्या होगा, इस बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए में क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे इस बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए में एक क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एक साइट ऐसा होगा जहां से क्या होगा हम लोग बोलेंगे ओरिजिन स्टार्ट होगा, सॉरी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सर्कुलर डीएनए में हम लोग बोलेंगे एक साइट ऐसा होता है जहां से हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और इस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस साइट को हम लोग बोलते हैं ओरिसी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओरिसी, ओरिसी स्टैंड्स फॉर क्या चीज हम लोग बोलेंगे ओरिजिन ऑफ, सी मतलब होता है क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, इसको याद रखना, ठीक है। तो बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए के पास हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को शुरुआत कराने के लिए, ओरिजिन कराने के लिए क्या होता है हम लोग बोलेंगे केवल एक ही ओरिसाइट होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ओरिसी, और इसी ओरिसी से क्या होगा हम लोग बोलेंगे क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल रहे हैं या ओरिसी बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखना है बैक्टीरिया के इसमें कितना ओरिसी होगा हम लोग बोलेंगे केवल एक ओरिसी होगा, ठीक है। तो ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें हम लोग बोलेंगे केवल एक ओरिसाइट प्रेजेंट होता है वैसे रेप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रेप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं मोनो रेप्लिकोनिक, क्या बोलेंगे मोनो रेप्लिकोनिक। इसका मतलब बैक्टीरिया के केस में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है मोनो रेप्लिकोनिक होता है, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए में डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने के लिए केवल एक क्या प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे ओरिसाइट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिसी, ओरिसी स्टैंड्स फॉर क्या चीज ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बैक्टीरिया का जो सर्कुलर डीएनए होता है उसमें केवल सिंगल ओरिसाइट क्यों प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग ओरिसी बोलते हैं, क्यों एक, इसको याद रखना है क्यों सिंगल ओरिसाइट होता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो क्या होता है सर्कुलर डीएनए होता है जिसका साइज क्या होता है स्मॉल होता है, और चूंकि इसका साइज स्मॉल है इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से भी काम चल जाएगा, मतलब इस डीएनए को डीएनए बनने के लिए हम लोग बोलेंगे बहुत कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में केवल हम लोग बोलेंगे एक ही, या हम लोग बोलेंगे सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरिसाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को।
देखिए हम लोग ये जान रहे हैं कि ये ओरी साइड से या ओरी सी से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये ओरी सी वही मैंने लिखा कि सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है किसमें, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरी सी। तो अगर ये ओरी सी को देखेंगे, ठीक है, अगर ये ओरी सी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पर मैं केवल दिखा रहा हूँ ओरी सी को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज है, ओरी सी है या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये ओरी सी में इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या चीज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ओरी सी, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इधर बाकी क्या होगा, डीएनए होगा ऐसे करके, सर्कुलर डीएनए होगा ऐसे करके, ठीक है, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ओरी सी होता है याद रखना है, ये ओरी सी 245 से लेकर 250 बेस पेयर लॉन्ग होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये ओरी सी में हम लोग बोलेंगे कितना बेस पेयर मिलेगा, नाइट्रोजनस बेस पेयर हम लोग बोलेंगे कितना कितना मिलेगा, हम लोग बोलेंगे 245 से लेके कितना 250 बेस पेयर, इसमें क्या होगा, ये ओरिसी लॉन्ग होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो ओरिसी होता है, ठीक है, ये ओरिसी हम लोग बोलेंगे 80 रिच होता है, याद रखना इस चीज को भी, ओरिसी क्या होता है, 80 रिच होता है, ठीक है, मतलब एटी ऐसे करके, एटी एडिनिन थायमिन रिच होगा, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ओरिसी, ठीक है। क्यों ये 80 रिच होता है, इसीलिए 80 रिच होता है क्योंकि ए और टी के बीच में क्या चीज है, डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे जी और सी की तुलना में, ठीक है, क्योंकि जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसको तोड़ना कंपैरेटिवली टफ होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ओरी साइड में क्या प्रेजेंट होता है, ए और टी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ए और टी के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ओरी सी क्या चीज होता है, 80 रिच होता है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि सर्कुलर डीएनए में क्या होगा, केवल सिंगल ओरी साइट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग ओरी सी बोलेंगे, ठीक है, और ये ओरी सी हम लोग बोलेंगे 245 से 250 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और इसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कैसा सीक्वेंस होगा, हम लोग बोलेंगे 80 रिच सीक्वेंस होगा। क्यों 80 रिच सीक्वेंस होगा, क्योंकि यहीं से क्या होगा, डीएनए को खुलना है, ठीक है, यहीं से डीएनए क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है, यहीं से डीएनए का सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये ए और टी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ओरी साइड पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी सी पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए और टी रिच सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है, ना कि जीएनसी, याद रखिएगा जीएनसी नहीं मिलता, क्योंकि जीएनसी में जीएनसी के बीच में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है जो जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा, में भी ऐसा होगा, ए और टी रिच ही सीक्वेंस मिलता है, इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। अब देखो ये चीज तो समझ में आ रहा है, तो अब देखो अब ये जो ओरी साइट है, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे ओरी सी है, यहाँ से क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, या हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए बैक्टीरिया के सेल में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, इनिशिएटर प्रोटीन को मैं आईपी लिख रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए ए, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए ए या इनिशिएटर प्रोटीन। ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है ना, ये इनिशिएटर प्रोटीन का हम लोग बोलेंगे चार काम है। पहला काम क्या चीज है, ये जो इनिशिएटर प्रोटीन है, ये इनिशिएटर प्रोटीन देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इट रिकॉग्नाइजेस द ओरीसी, सबसे पहले ये क्या करेगा, ओरी साइट जो है ओरीसी को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फर्स्ट, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, ये इनिशिएटर प्रोटीन क्या करेगा, इस ओरी सी से या ओरी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तीसरा काम ये क्या करेगा, तीसरा काम ये डीएनए ए या इनिशिएटर प्रोटीन क्या करेगा, ए और टी के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, मतलब डीएनए को क्या करेगा, हल्का सा अनवाइंड करेगा। और चौथा काम ये क्या करेगा इनिशिएटर प्रोटीन, कि आगे जितना भी रेप्लिकेटिव एंजाइम्स आने वाला है उसको रिक्रूट कराएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन, ठीक है। तो मैं इसको डायग्राम से समझा रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो प्रोटीन है वो क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए ए। ये डीएनए ए का काम क्या चीज है, देखो मैं यहीं पर बता रहा हूं, ये डीएनए ए का काम क्या चीज है, सबसे पहला ये काम क्या चीज है, यहां पर अलग से करके बता दे रहा हूं, ये डीएनए ए का काम क्या चीज है, मैं यहां पर फिर से क्या बना रहा हूं, ये क्या चीज है, ओरी सी है, ठीक है, ये वाला ओरी सी, इस तरफ क्या होगा, ऐसे करके सर्कुलर डीएनए होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो ये ओरी सी को हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करेगा कौन, ये ओरी सी को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इनिशिएटर प्रोटीन, याद रखना है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ये इनिशिएटर प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए ए बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये रिकॉग्नाइज करेगा कौन, डीएनए ए किसको, ओरी सी को या ओरी साइट को, तो ये क्या करेगा, इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए तुरंत ओरी साइट से क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा, देखो बाइंड कर गया, ठीक है। जैसे ही ये हम लोग बोलेंगे बाइंड करेगा इनिशिएटर प्रोटीन ओरी साइट पे, तो अब ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ओरी साइट क्या था, 80 रिच था ना, याद कीजिए 80 रिच था, ए टी ऐसे करके, और ए और टी के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था, फिर क्या था ए, फिर क्या था टी, डबल बॉन्ड था ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा ये इनिशिएटर प्रोटीन, क्या करेगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जो ओरी साइट पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये डीएनए हम लोग बोलेंगे हल्का सा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, देखो ऐसे करके, कहां पर से सेपरेट हुआ, हम लोग बोलेंगे कहां पर से सेपरेट हुआ, ओरी साइड वाले एरिया से, क्या ओरी साइड वाले एरिया में क्या हुआ, डीएनए हल्का सा अनवाइंड हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। क्यों सेपरेट हुआ, बिकॉज हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर प्रोटीन क्या किया, ए और टी के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तब देखिए क्या हुआ, डीएनए हल्का सा खुल गया। तो ये वाला क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ओरी साइट है, जहां जिससे कौन जुड़ा हुआ है, देखो जिससे कौन जुड़ा हुआ है,
जिससे हम लोग बोलेंगे कौन जुड़ा हुआ है, क्या चीज है, क्या चीज है ये हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है इनिशिएटर प्रोटीन है, या इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं डीएनए ए बोल रहे हैं, इन केस ऑफ क्या चीज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, हल्का सा डीएनए क्या हो गया अनवाइंड हो गया, ठीक है। तब डीएनए अनवाइंड हो गया, पहले क्या था डीएनए क्लोज था, अब डीएनए क्या हो गया हल्का सा खुल गया, मतलब क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ हम लोग बोलेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, यही मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ओपन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद ये होगा कि डीएनए के स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा और खोलना पड़ेगा, ठीक है। और खुलेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन पॉसिबल है। डीएनए ए का काम क्या चीज है, केवल हम लोग बोलेंगे ओरी साइड पे, ओरी सी पे क्या करना है डीएनए को सेपरेट करना, अनवाइंड करना, क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स का बनवाना, ठीक है। बाकी का काम हम लोग बोलेंगे ये जो डीएनए ए है ये क्या करेगा, जितना भी आगे आने वाला जो रेप्लिकेटिव एंजाइम है उसको रिक्रूट करेगा, ताकि क्या हो सके डीएनए खुल सके और डीएनए से डीएनए बन सके, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो सके, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनिशिएटर प्रोटीन डीएनए ए जो कि बैक्टीरिया में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, ये क्या करेगा रिकॉग्नाइज करेगा ओरीसी को फर्स्ट, दूसरा ओरीसी से क्या करेगा बाइंड कर जाएगा, थर्ड क्या करेगा ये जो ओरीसी में हम लोग बोलेंगे एटीपी सीक्वेंस है, मतलब ये ओटीपी में डबल बॉन्ड, उसको क्या करेगा डिसॉल्व करेगा, तब देखिए डीएनए क्या होगा क्लोज कॉम्प्लेक्स से ओपन कॉम्प्लेक्स से डीएनए स्टार्ट क्या होगा ओरी साइड पे क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग ओपन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे डीएनए को फर्दर और भी तो खोलना है ना, तो हम लोग बोलेंगे उसको खोलने वाला जो अगला जो एंजाइम है उसको रिक्रूट कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे डीएनए ए या इनिशिएटर प्रोटीन, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाकी का जितना भी आगे जो आने वाला एंजाइम्स है रेप्लिकेटिव एंजाइम्स उसको भी रिक्रूट करने का काम कौन करता है डीएनए ए करता है, ताकि क्या हो सके डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है और उसको यहाँ पर डायग्राम से समझाया, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, ठीक है, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अब देखो अब क्या करना है, अब क्या करना है, हम बोलेंगे ये डीएनए को क्या करना है, ये तो डीएनए ऐसे करके ये होगा सर्कुलर होगा ऐसे करके, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूं, ऐसे करके सर्कुलर होगा, ठीक है, सर्कुलर डीएनए होगा, तो और भी तो डीएनए को फर्दर खोलना है ऐसे करके। तो खोलने के लिए हम लोग बोलेंगे अगला जो एंजाइम आएगा वो एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए हेलिकेज, ठीक है। और ये डीएनए हेलिकेज को लाने वाला जो एंजाइम है वो कौन है, हम लोग बोलेंगे हेलिकेज लोडर। तो हेलिकेज लोडर क्या करता है, हम लोग